सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज में रविशा सीतापुर प्रेम बात पे के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये प्रतिबंधित पेड़ों के कटान के स्थल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेड़ों के नीचे कुछ टहलियाँ शाखाओं के नीचे जड़े छिपी हुई हैं। वहीं पर कुछ लोग तस्वीरों में जड़ों को नामो निशान मिटाने के लिए खोदी जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ पूरी तरीके से सरकार पर्यावरण को सुरक्षा दृष्टि से उनको जगह जगह पर पेड़ वृक्षारोपण कराती है, करोड़ों रुपये खर्च करती है प्रत्येक वर्ष, लेकिन वहीं पर उनको नाबूद करने के लिए स्थानीय वन विभाग के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से लकड़कट्टों का आरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन और रात चलाकर उनको धराशायी किया जा रहा है, पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, सरकार के नियम और कानून को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप आसपास तस्वीरों में देख सकते हैं, परमिट 8 का और काट ले जाते हैं दूना चौगुना पेड़, वहीं पर बिना परमिट के भी काट लिए जाते हैं। ये आलम है रेवसा और थाना तंबौर क्षेत्र में। हम बताते चलें कि रेवसा थाना इलाके में ग्राम पंचायत रमुआपुर कालिका के मजरा तमोलिनपुरवा निवासी रामकिशोर ने अपने पेड़ 18 जामुन के पेड़ बेचे थे और वहीं पर 24 मार्च 2022 की रात को काट कर धराशायी कर मौके से लकड़ी उठा ले गए। और इसके कड़ी में सप्ताह भर पहले थाना तंबौर के ग्राम सभा भटना कला के राम मनोहर गोड़िया निषाद ने अपने करीब 16 पेड़ बेचे थे, और जिसमें 8 का परमिट बनवाया, 7 आम का और 1 जामुन का, और वहीं पर 9 पेड़ फालतू काट ले गए, जो कि आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं पूरी तरह से जो खुली जड़ें हैं जिनका परमिट था, और वहीं पर वो जिन जो चोरी से काटे गए बिना परमिट के वो छुपी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। वहीं पर इस बाबत जब बात की गई SDO वन विभाग के, तो उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा खेल खेला जा रहा है थाना रेवसा और तंबौर इलाके में, जो कि लकड़ी काटने का प्रतिबंधित पेड़ों का थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मिली भगत से पुलिस और वन विभाग के मिली भगत से उन पर आरा गरजता नजर आ रहा है।